अभी रूल 9 सब रूल 4 के हिसाब से, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल. सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जहां पर एक पीआरओआई एक पीआरओआई को शेयर्स देता है, एक पीआरआई को शेयर्स देता है, और एक पीआरओआई को शेयर्स ट्रांसफर करता है. अब रूल 9 सब रूल 4 यहां तक जाता है कि अगर आप गिफ्ट करते हो तो व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ गिफ्ट, एंड आगे फिर कई कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें भी आएंगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स. लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. सो हमारा कंसेप्ट ये है कि यहां पर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ओके, लेट अस सपोज आपके पापा हैं, आपके अंकल हैं जो इंडिया में रहते हैं, और वो गिफ्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर वालों को. ओके, पी आर ओ आई. तो लेट से आपके इंडिया के बाहर भाई बहन है या कोई रिलेटिव है, उनको गिफ्ट कर रहे हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, फाइन. सो दे आर मेकिंग द गिफ्ट टू आउटसाइड इंडिया. तो ट्रांजैक्शन क्या है? दिस इज अ गिफ्ट, दिस इज द गिफ्ट ऑफ नॉन रिपैट्रिएबल शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी. ओके, तो ये गिफ्ट हो रहा है नॉन रिपैट्रिएबल शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, बराबर, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स इंडियन गिफ्ट कर रहा है, तो इंडियंस के पास रिपैट्रिएबल नहीं होता है. अच्छा, फिर भी कई स्टूडेंट्स के लिए वापस से लिख देता हूँ कि ये सर नॉन रिपैट्रिएबल का मतलब क्या है, कि अगर कल को ये शेयर्स बेचे गए तो सारा पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में ही रहेगा, ये पैसा आप लेके नहीं जा सकते. दैट इज इफ शेयर्स आर sold, then money to be kept in Indian banks. इस चीज को हम लोग नॉन रिपैट्रिएबल बोलते हैं. सो अगर हम लोग गिफ्ट करते हैं शेयर्स के जिसके अंदर चीजें नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे जाती है, ओके, सो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, व्हाट इज द प्रोविजन, व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 9 सब रूल 4. आरबीआई कहता है कि आप इंडियन हो, आप इंडियन कंपनी के शेयर्स दे रहे हो किसी को इंडिया के बाहर वालों को, हमसे पूछा क्या, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स बाहर वालों को जा रहे हैं, हमसे पूछा गया, तो इसका मतलब क्या मुझे प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई का? बिल्कुल बनता है. तो यहां पर हमें चाहिए प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक का प्रायर अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल बनता है. दूसरी चीज आती है कंडीशनैलिटीज पे. ओके, कंडीशनैलिटीज, आरबीआई ने कुछ कंडीशंस इंपोज कर रखी है, उस कंडीशंस को ध्यान रखना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड कंडीशनैलिटी. क्या क्या कंडीशंस आरबीआई ने इम्पोज कर रखी? पहला कंडीशन आरबीआई बोलता है कि जिसको आप ये गिफ्ट दे रहे हो, द रिसीवर ऑफ द गिफ्ट, ओके, द रिसीवर ऑफ द गिफ्ट ठीक है. अच्छा, जैसे ट्रांसफरर ट्रांसफरी होता है, वैसे गिफ्ट में कौन होता है? डोनर एंड डोनी. गिफ्ट जो करता है उसको डोनर बोलते हैं, जिसको मिलती है उसको डोनी बोलते हैं. देखी थी ना पिक्चर डोनर? ओके, सो वहां पे नहीं देखी थी विक्की डोनर? नहीं, चलो तुम्हारी वजह. सो जिसको गिफ्ट मिलता है वो है डोनी. डोनी को गिफ्ट मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो गिफ्ट मिल रहा है वो है सिक्योरिटीज का. सो डोनी होल्ड सिक्योरिटीज as per rules. ठीक है, देन दूसरी चीज, जो शेयर वैल्यू है शेयर वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द पेड अप शेयर
कैपिटल, स्पीड अप शेयर कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनी। ओके, आई शेयर वैल्यू इन गिफ्ट। तो जो हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, इंडियन कंपनी के 5% से ज्यादा का गिफ्ट बाहर नहीं जा सकता। ओके, सो आप उसका शेयर वैल्यू निकालो, उसका नॉमिनल वैल्यू पे 5%। 5% से ज्यादा का गिफ्ट आप इंडिया के बाहर मत दो। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं फेमा में एफडीआई रेगुलेशंस के हिसाब से, वो है सेक्टोरल कैप्स। तो सेक्टोरल कैप्स इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए, बराबर। सेक्टोरल कैप्स बार बार पढ़ चुके हैं, जान आपको याद भी हो गया होगा अब तक तो। सो सेक्टोरल कैप्स नॉट ब्रीच्ड, सो सेक्टोरल कैप्स शुड नॉट बी ब्रीच्ड। एंड जो भी हम गिफ्ट कर रहे हैं, ओके, जो भी हम गिफ्ट कर रहे हैं, जो भी डोनर है, डोनी है, ओके, डोनर एंड डोनी, आरबीआई कहता है दोनों रिलेटिव्स के डेफिनेशन में आने चाहिए। दे शुड बी रिलेटिव्स, क्योंकि कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं, सर हम लोग अपने दोस्तों को भी तो गिफ्ट दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन इधर आरबीआई बोलता है भाई दोस्ती यारी बाजू में रखो, यू शुड बी रिलेटिव्स। रिलेटिव्स कौन होते हैं? रिलेटिव्स का डेफिनेशन कहाँ पे पढ़ने को मिलता है? कंपनी लॉ में। एग्जैक्टली, कंपनी लॉ में एक सेक्शन आता है 188, उसके साथ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 के पास रिलेटिव्स का डेफिनेशन पढ़ने को मिलता है कि रिलेटिव्स कौन कौन कवर्ड है। ठीक है, वही वाला डेफिनेशन देखेंगे। एंड देन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सभी आरबीआई कहता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफर्ड बाय डोनर, ट्रांसफर्ड बाय डोनर। ओके, सो जो सिक्योरिटी वैल्यू डोनर दे रहा है वो जो भी मार्केट वैल्यूएशन पे वैल्यू निकालते हो, वैल्यू उसको कन्वर्ट करो डॉलर्स में, क्योंकि आप इंडिया के बाहर वाले को दे रहे हो ना, डॉलर्स में 50,000 डॉलर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, दैट इज रुपी वैल्यू, रुपी वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर्स 50,000। ठीक है, सो रुपी वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर 50,000 का मतलब होता है 50,000 डॉलर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसको रुपी में भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। मतलब सपोज मैं आज गिफ्ट कर रहा हूं, ओके, मेरा भाई इंडिया के बाहर ही रहता है, तो मैं आप गिफ्ट कर रहा हूं, तो टुडे लेट सपोज 1 डॉलर इज इक्वल टू ₹70। ओके, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जितने भी शेयर्स में गिफ्ट कर रहा हूं उसको रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करूं, तो ट्रांसफर इज डन टुडे, टुडे। तो एज अ रिजल्ट मेरा बाय रेट बैठ जाएगा, दैट इज ₹50,000 मल्टीप्लाई बाय ₹70, दैट विल बी कमिंग टू 35 लाख। बराबर, तो मैं इंडियन रुपीस में आज के दिन अगर गिफ्ट करता हूं तो 35 लाख रुपया, 35 लाख से ज्यादा का गिफ्ट नहीं कर सकता। क्लियर, समझ में आया? सो इसी तरह आपको रुपी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो जिस दिन आप गिफ्ट कर रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट पता करो, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, एंड आरबीआई कहता है जो आपके बाकी के कंडीशंस आरबीआई इंपोज करता है, जैसे मैंने आपको बताया है आरबीआई इस सब के लिए नोटिफिकेशन, मैनुअल, सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शन सब रिलीज करता रहता है, तो उसमें कंडीशंस आते हैं, वो सारे कंडीशंस कंप्लाई होने चाहिए। ओके, सो अदर कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। तो जो भी बाकी कंडीशंस आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है वो सारे कंडीशंस अपने आप में कंप्लाई होने चाहिए। ओके, क्लियर, फाइन। सो ये बन गया जब आपको इंडिया के बाहर करना है गिफ्ट। ठीक है, तो गिफ्ट करने के लिए क्या क्या चीजें का ध्यान रखना, एक तो हम लोग नॉन रिपैट्रिएबल शेयर्स का,
नॉन रिपैट्रिएबल शेयर्स का गिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए, नेक्स्ट थिंग द डोनी हैज टू गिव द सिक्योरिटीज, नेक्स्ट शेयर वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल, नेक्स्ट सेक्टोरल कैप शुड नॉट बी ब्रीच, नेक्स्ट डोनर एंड डोनी शुड बी रिलेटिव्स, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफर रुपी वैल्यू $50,000 एंड अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये कंप्लाई होना चाहिए। अब आते हैं रूल 9 सब रूल 5 की तरफ। रूल 9 सब रूल 5 की तरफ, रूल 9 सब रूल 5 की तरफ ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट देता है तो क्या। ओके, ये टैकल उस चीज को करता है, दैट इज लेट्स से एक PROI है, एक फॉरेनर है, एक NRI है, ये सब PROI के डेफिनेशन में आ जाते हैं, और एक इंडियन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी इस PROI वालों को दे रहा है ऑप्शनली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इंटू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स OCEI, ओके, ये वाले सिक्योरिटीज दे रहा है ऑप्शनली कन्वर्टेबल, यानी जब चाहिए आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, फायदा है। ओके, सो अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट करके मैंने PROI को दिए थे और अब हमारा PROI ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर कर रहा है बिफोर कन्वर्जन, ओके, और आप कंपनी के अंदर लीगल एक्सपर्ट बैठे हो, आपको मालूम पड़ रहा है कि आपकी कंपनी ने जो OCEI इश्यू किया था वो वाला PROI इसको ट्रांसफर कर रहा है बिफोर कन्वर्जन, डेफिनेटली, क्योंकि आपको इंटीमेशन तो मालूम पड़ेगा ही, बिकॉज शेयर्स के जैसा सिक्योरिटी ट्रांसफर है। तो अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि देर इज अ ट्रांसफर, देर इज अ ट्रांसफर बिफोर कन्वर्जन। ठीक है, सो अगर वो ट्रांसफर कर रहा है बिफोर कन्वर्जन, क्या PROI दूसरे PROI को सिक्योरिटीज दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस सर, वो एक PROI को भी दे सकता है। क्या दूसरे PRI को दे सकता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसको भी दे सकता है, परफेक्ट, वेरी गुड, PRI को भी दे सकता है, तो PROI को भी दे सकता है, PRI को भी दे सकता है। इस केस में RBI हमसे क्या कहता है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ स्मार्ट लीगल एक्सपर्ट, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है फिर इस चीज। ओके, तीन बातों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, आपको ये चेक करना होगा कि रूल्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस, ओके, वो जो भी पर्सन खरीद रहा है उसको पता होने चाहिए। ओके, ही दैट इज लेट से द फॉरेनर इज सेलिंग, द अदर पर्सन इज बाइंग, लेकिन उसको पता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज क्या है, मैच्योरिटी क्या है, उसको वो इंटीमेशन देना पड़ेगा। गॉट इट, द रूल्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन शुड बी क्लियरली इंटीमेटेड, इन्फॉर्म्ड। ओके, सो वो उनको पता होने चाहिए, तो दैट इज रूल्स आर कंप्लाइड फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, सो रूल्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन शुड बी क्लियरली इंटीमेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई एग्जिट लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है, एग्जिट विदाउट एनी एश्योर्ड रिटर्न, तो वो कंपनी को पता होना चाहिए। ओके, विदाउट एनी एश्योर्ड रिटर्न, दैट इज एग्जिट विदाउट एनी एश्योर्ड रिटर्न्स, तो कंपनी को पता होना चाहिए। ओके, सो ये सर एग्जिट विदाउट एश्योर्ड रिटर्न्स क्या होता है, इसका मतलब जब मैच्योरिटी पे कन्वर्जन होगा तो उसका पूरा सिक्योरिटी डीमैट अकाउंट में इक्विटी में आ जाएगा, OCEI से डीमैट में इक्विटी में आ जाएगा,
यानी डीमैट में अभी वो OCI दिख रहा था, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अब वो दिखेगा इक्विटी. नो पार्ट विल बी लेफ्ट फॉर कन्वर्जन इन फ्यूचर, के वो ये नहीं बोल सकता अभी इतना करो बाकी का बाद में कर देता हूं. आई डोंट नीड अ अश्योर्ड रिटर्न दैट फ्यूचर में जब और इक्विटी का भाव पड़ेगा तब मैं कन्वर्ट करूंगा, हाई प्राइस पे बेचूंगा. ओके, सच थिंग्स शुड नॉट बी केप्ट इन एनी ऑफर डॉक्यूमेंट. जिस दिन मेच्योरिटी आएगा उस दिन सब के शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके डीमैट अकाउंट में OCI से सीधा वो इक्विटी ट्रांच में चले जाएंगे, इक्विटी सिस्टम पे दिखेगा, बराबर. सो इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज सिंपल भाषा में, नो पोर्शन कैन बी केप्ट फॉर फ्यूचर कन्वर्शन. ओके, नो पोर्शन कैन बी केप्ट फॉर द फ्यूचर कन्वर्जन्स, ठीक है. एंड प्लस RBI कहता है कि अगर आप ऑप्शनली कन्वर्टेबल वाला इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था, ये अभी भी है, मिनिमम लॉक इन 1 ईयर का लगेगा. इसका मतलब एक साल तक जो भी पर्सन ये शेयर्स खरीद रहा है ये बेच नहीं सकता. ओके, सो मिनिमम लॉक इन 1 ईयर, मिनिमम लॉक इन इज 1 ईयर. कंपनी अगर चाहे तो बढ़ा भी सकती है, लेकिन मिनिमम 1 ईयर लगेगा. और एज पर रूल्स, ओके, विच एवर इज, और एज पर रूल्स विच एवर इज हायर हैज टू बी कंप्लाइड. सो मिनिमम लॉक इन 1 साल का लगेगा, और एज पर रूल्स विच एवर डिजायर हैज टू बी कंप्लाइड. क्लियर, सबको समझा, एवरीवन क्लियर, ठीक है. देखो जब कंपनी इश्यू करती है OCEI, तो उस टाइम पे जो इश्यू हुए थे वो टर्म्स क्लियर हो गए, उसमें 1 साल का लॉक इन था, बराबर. अब वो कितनों को भी ट्रांसफर हो जाए, लॉक इन तो वैसे ही रहेगा, बराबर. अब जब तक कंपनी ने नए वाले OCI इशू नहीं किए तब तक नया वाला लॉक इन नहीं लगेगा. तो जब तुम बोलते हो 50 अभी मंगाए और बाकी के बाद में, तो जो अभी मंगाए थे वो कौन से सीरीज के थे, और जब बाद में मंगाए वो कौन से सीरीज के थे, क्योंकि हर नए सीरीज में नया लॉक इन पीरियड लग जाता है. गॉट इट, ये सिक्योरिटी मार्केट ऐसे चलती है. तो अपने को ये समझना होता है कि किस सीरीज के, किस नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए गए, ठीक है. तो चलो जस्ट रूल 5 का रीकैप. PROI अगर इंडियन कंपनी के OCEI दैट इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर करता है आइदर टू अ PROI और टू अ PRI, 3 बेसिक कंडीशंस RBI की तरफ से याद रखना. एक तो रूल्स हैज टू बी कंप्लाइड, ओके, फॉर एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शंस, ये क्लियरली होना चाहिए. एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो रहती है उसके अंदर अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, एंड मिनिमम लॉक इन 1 ईयर. हाँ, अगर ज़्यादा रखना हो तो रूल्स के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, दैट वॉज रूल 9 सब रूल 5. अब आता हूँ रूल 9 सब रूल 6 के ऊपर. रूल 9 सब रूल 6, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, क्या आप चीजें इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो? मिलती है, बहुत सी चीजें मिलती है. वही इंस्टॉलमेंट्स का सेगमेंट अगर शेयर ट्रेडिंग में आएगा तो, ओके, और वो भी ऐसे शेयर ट्रेडिंग में जिसमें एक फॉरेनर है एक इंडियन है. मतलब आप अपने दोस्त को इंडिया के बाहर शेयर्स देते हो और उसको बोलते हैं, वो बोलता है मैं इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा, बराबर. तो इस पे RBI कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालता है, क्योंकि एक शॉट में पेमेंट नहीं आ रही है, टुकड़ों में पेमेंट आने वाली है. ओके, तो ऐसे नेचर में कैसे काम होता है, ठीक है. मैं आपको उस एंगल से समझाता हूँ जहाँ पे इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनी की तरफ आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स की तरफ घुसते हैं, तो कैसे वो एक ट्रांच बाय ट्रांच में इन्वेस्टमेंट्स आता है. ओके, उसकी तरफ. सो लेट्स सी, एक ये एग्जाम्पल बोलता है, अगर PRI एंड PROI
इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन किस नेचर का हो रहा है? ट्रांजैक्शन इस नेचर का क्योंकि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और इस चीज के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसिडरेशन। There is something called as consideration. बराबर। अब इस consideration के हिसाब से, इस consideration के हिसाब से RBI कहता है कि अगर आप installments की तरफ जा रहे हो तो दो तीन बातों का ध्यान रखने का। पहला, maximum 25% तक ही आप installments में ले सकते हो। 25% can be इंस्टॉलमेंट्स। ओके, जिसको हम लोग लॉ में टेक्निकली डेफर्ड पेमेंट्स बोलते हैं। डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, 25 तक इंस्टॉलमेंट। और ये जो इंस्टॉलमेंट है, अब सर मैं इंस्टॉलमेंट में कितने टाइम मिलूं? मतलब एक इंस्टॉलमेंट एक साल, दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरे साल, तीसरा इंस्टॉलमेंट तीसरे साल, चौथा इंस्टॉलमेंट चौथे साल, या पांच साल का लूं? RBI बोलता है टोटल इंस्टॉलमेंट पीरियड 18 मंथ से ज्यादा भी नहीं होना है। मतलब 18 मंथ्स में आपका पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म। ओके, सो नॉट टू एक्सीड 18 मंथ्स। ओके, सो मैक्सिमम 25% इंस्टॉलमेंट एंड टोटल इंस्टॉलमेंट पीरियड 18 मंथ से ज्यादा नहीं होना। और अगर बाकी की बात करो तो रिमेनिंग 75% ये अगर कंपोनेंट अगर हमको लेना है तो वी कैन डेफिनेटली टेक इट इन कैश इन बैंक, कैश और बैंक इसमें ले सकते हो और एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। तो आप कैश और बैंक सेगमेंट पे ले सकते हो और एज आरबीआई अप्रूव्स उस तरह से ले सकते हो, समझा? सो ओवरऑल ये बोलता है 25% से ज्यादा का इंस्टॉलमेंट लिमिट्स नहीं होना चाहिए और 18 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जैसे लेना हो, ठीक है? अब लेट्स सपोज इन दिस एग्जाम्पल ये हो गया सबका कंप्लीट दिस, तो मैं आगे का एग्जाम्पल बताऊं। डन। ओके, लेट्स सपोज इन दिस एग्जाम्पल आपकी एक इंडियन कंपनी है, यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन कंपनी। आपने एक स्टार्टअप कंपनी बनाई एंड योर कंपनी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी। Promising company in the sense that you are giving a good returns. बहुत अच्छा returns आ रहा है। और एक foreign company, PROI, जो foreign company है, वो आपकी company में पैसा डालना चाहता है। या यू बोलू, आपकी company भी पैसा चाहती है, क्योंकि अगर अच्छा investments आएगा तो growth भी मिलेगी, ठीक है? लेकिन फॉरेन कंपनी वाला बोलता है कि सर पहले मैं आपकी कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करना चाहता हूं। ओके, ड्यू डिलीजेंस मतलब आपकी कंपनी का ऑडिट करना चाहता हूं, इंटरनल ऑडिट। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ड्यू डिलीजेंस मार्केट्स में होता है, लेकिन सामने वालों को मेरी कंपनी के सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, मेरी कंपनी के पेटेंट्स पता चल जाएंगे, मेरी कंपनी के ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट्स के टर्म्स पता चल जाएंगे, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स तक को नहीं मालूम है। देखो, हर एक कंपनी के अंदर दो लेवल होता है, एक जो वो दुनिया को दिखाती है और एक जो अपने पास रखती है। एज अ शेयर होल्डर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्डिंग रख सकता हूं, लेकिन मैं अंदर जाके नहीं पूछ सकता हूं कि सर क्या चल रहा है। आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, लेकिन मैं मुकेश भाई को ये नहीं बोल सकता ना, सर आज आप पार्टी पे गए थे उसका वाउचर दिखाओ, आपके बेटे की शादी का ये हुआ उसका खर्चा दिखाओ। आई कैन नॉट आस्क,
राइट, आई कैन ओनली आस्क अबाउट माई शेयर होल्डिंग टर्म्स, कंपनी की डिटेल्स. सो इस चीज के हिसाब से कि अगर आप एक कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करते हो और सामने वाली कंपनी आपको बोलती है कि नहीं मैं आपका ड्यू डिलीजेंस करूंगा तो ही मैं आपको पैसा दूंगा, तो आप भी बोलते हो सर मेरा सीक्रेट्स पता चल जाएगा और आपने कल को पैसा नहीं दिया तो इस केस में दोनों पार्टी एग्री करते हैं कि ठीक है हम एक एस्क्रो बेस्ड सिस्टम खेलते हैं. तो अब ये आपको समझा रहा है आरबीआई कि क्या आप एस्क्रो बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो. एस्क्रो का मतलब एक टेम्पररी अकाउंट फैसिलिटी क्रिएट करके. ओके, अब देखो कैसे. सो पीआरओआई की कंपनी यहां पर कर रही है दैट इज ड्यू डिलीजेंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स. सो पीआरओआई की कंपनी कर रही है ड्यू डिलीजेंस, जिसको हम सिंपल भाषा में इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बोला, हमने बोला सर एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों एक बैंक सिलेक्ट करते हैं. तो फॉरेनर ने बोला ओके मैं एचएसबीसी बैंक इंडिया सिलेक्ट करता हूं. डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं भी एग्री करता हूं. तो हमने सिलेक्ट किया एचएसबीसी बैंक इंडिया. ठीक है, आपको करना क्या है, आपको 25% तक का इंस्टॉलमेंट है ना इसमें डालना है, जो आप मेरी कंपनी में जैसे जैसे ड्यू डिलीजेंस खत्म होते जाएगा थोड़ा थोड़ा शेयर्स आप लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा शेयर्स में देते जाऊंगा. ओके, ताकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस हो कि मैं जिसको अपनी कंपनी का डिटेल दे रहा हूं मेरा शेयर होल्डर ही है. आइडिया अच्छा है. सो यहां पर 25% पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, इस बात में एग्री हो गया. ओके, और उसकी 25% की पेमेंट्स को मीट करने के लिए मैंने भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपनी कंपनी का 25% शेयर्स एचएसबीसी के पास रखवा दूंगा. तो 25% शेयर्स डिपॉजिटेड. ओके, क्योंकि आरबीआई कहता है 25% से ज्यादा नहीं कर सकते. बराबर, क्लियर. अब ड्यू डिलीजेंस का काम चल रहा है, ड्यू डिलीजेंस का काम चल रहा है. ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है. डेवलपमेंट होते हुए फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे ऊपर जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स जैसे जैसे जा रही है कि ये डिपार्टमेंट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ ठीक है. तो उसने क्या किया है, उसने एचएसबीसी बैंक इंडिया ओके, इसके पास बाकी का फुल फंड्स डिपॉजिट कर दिया है. ओके, एक एस्क्रो अकाउंट खोला एंड फंड्स डिपॉजिटेड, कि अब वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार है. लेकिन क्या है, जैसे तुम फॉरेनर्स को नहीं जानते, फॉरेनर्स तुम्हें नहीं जानता, लेकिन हम दोनों एक जन को जानते हैं, एचएसबीसी बैंक. तो वो बोलता है मैं एचएसबीसी के पास शेयर्स अपना पैसा देने को रेडी हूं. बोला ठीक है सर, अगर आप एचएसबीसी के पास पैसा देने को रेडी है, मैं भी एचएसबीसी के उधर डीमैट अकाउंट में पैसा डाल शेयर्स डालने को रेडी हूं. ओके, तो मैं आई विल डिपॉजिट माय शेयर्स इन डीमैट अकाउंट. ओके, तो ये एचएसबीसी अब क्या करेगा, एचएसबीसी नाउ एक्टिंग माय एस्क्रो. एस्क्रो इज अ टेम्पररी फैसिलिटी. अब देखो, इमेजिन करो, अगर मैं एचएसबीसी का मैनेजर हूं, एक हाथ में मेरे पास फंड्स है, दूसरे में शेयर्स है, मुझे करना क्या है, एक्सचेंज, इसको शेयर्स दे दो, उसको फंड्स दे दो. क्यों, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस सक्सेसफुल हुआ है. तो एज अ रिजल्ट मुझे क्या करना है, ओके, मुझे इसके हिसाब से शेयर्स इन फंड्स. लेकिन ये कब होगा, हाँ ये भी बात है, ये कब होगा, सारा तो हो गया, ये तब होगा जब इंडियन कंपनी से ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट इसके पास आएगी. ड्यू डिलीजेंस
कंप्लायंस रिपोर्ट, जिसको फाइनल बोल सकते हो। फाइनल रिपोर्ट इसके पास आई, जैसे ही फाइनल रिपोर्ट इसके पास आई, ये एचएसबीसी इंडिया बैंक को क्या बोलेगा, ट्रांसफर द फंड्स, दे डालो सारों का। ओके, क्योंकि अब ये रिपोर्ट से सैटिस्फाइड। ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है, जैसे जैसे डिपार्टमेंट कलेक्ट करते जाते हैं, हम लोग रिपोर्ट भेजते जाते हैं फॉरेनर को, और जब मेरा फाइनल रिपोर्ट जाता है, दैट इज कॉल्ड माई फाइनल वर्डिक्ट, कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए कि नहीं। ओके, और आपका कैश फ्लो रिटर्न्स कितने साल टाइम में आएगा, तो वो फाइनल वर्डिक्ट देखते फॉरेनर खुश हुआ, मोकेम्बो खुश हुआ, तो इन दैट केस ही विल सेंड इट। तो वो रेमिटेंस का इंस्ट्रक्शंस दे देगा, दैट मींस अब क्या होगा, अब वो इन्फॉर्म कर देगा एचएसबीसी बैंक इंडिया को कि देखो इंडिया वाले क्या करने का है, 75% जो पैसा बाकी था ना वो इंडिया वाले को दे दो। तो यहां से एचएसबीसी 75% विल बी ट्रांसफर्ड फॉर पेड अप कैपिटल। सो 75% विल बी ट्रांसफर्ड फॉर द पेड अप कैपिटल, ये इंस्ट्रक्शंस आ गया। तो हमारी इंडियन कंपनी क्या करने वाली है, हमारी इंडियन कंपनी ने भी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सर 75% के जितने भी शेयर्स थे उन्हें दे दो। इसको बोलते हैं ट्रांसफर बाय एस्क्रो फैसिलिटी। ओके, तो यहां से इसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी टू एक्सटेंट ऑफ पेमेंट, जितना पेमेंट किया था उतने एक्सटेंट तक का शेयर्स इसके पास चला जाएगा। गॉट इट, समझा? इसको बोलते हैं एस्क्रो फैसिलिटी में ट्रांसफर करना। ओके, एस्क्रो फैसिलिटी में ट्रांसफर करना। और याद रखना, ये जो 25% का इंस्टॉलमेंट है ना, ये इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम अप टू 18 months हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 18 months हो सकता है। ओके, इसको बोलते हैं एस्क्रो फैसिलिटी में इंस्टॉलमेंट करना। सो एक मिनट है, जस्ट अ मिनट, वेयर इज द एफडीआई, कहाँ गया एफडीआई, नहीं वेयर वाज आई, हाँ रूल 9 चल रहा था। रूल 9 के अंदर, रूल 9 5 हो गया था 6। सो द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बिटवीन द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 25% मे बी पेड बाय द बायर ऑन द डिफर्ड पेमेंट बेसिस नॉट एक्सीडिंग द 18 मंथ और सेटल थ्रू द एस्क्रो अकाउंट। देखो लिखा हुआ है सेटल थ्रू द एस्क्रो अरेंजमेंट। तो पहला वाला हमने जो देखा था वो था डिफर्ड पेमेंट, दूसरा वाला जो देख रहे हैं वो है एस्क्रो पेमेंट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इंडेमनिफाइड बाय द सेलर फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन 18%, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन मेथड डिफर्ड बेसिस। ठीक है, वो सब भी समझाता हूँ। इस केस के अंदर अगर आप इसको मॉनेटरी वैल्यू दो, स्पेशली इस ट्रांजैक्शन को अगर हम मॉनेटरी वैल्यू दे कि ये कैसे आया होगा। ओके, ये कैसे आया होगा। अच्छा, बाय द वे दिस इज डन, कंप्लीट कर लो पहले, देन आई गिव यू द मॉनेटरी वैल्यू। और फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप, दिस वॉज माई सेकेंड स्टेप, दिस वॉज द थर्ड स्टेप, दिस वॉज द फोर्थ स्टेप, दिस वॉज द फिफ्थ स्टेप, दिस वॉज द सिक्स स्टेप, दिस वॉज द सेवेंथ स्टेप एंड दिस वॉज द एट्थ स्टेप। ओके, क्लियर, डन।
डन ओके श्योर. सो ये था एस्क्रो फैसिलिटी पे. अगर एस्क्रो फैसिलिटी फैसिलिटी पे जस्ट एज अ अमाउंट कैलकुलेशन बताऊं, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ उतना ही एंगल ले रहे हैं, जैसे ये इंडियन कंपनी है और सामने वाली फॉरेन कंपनी है और बीच में हमने HSBC बैंक रखा था. ओके और यहां से यहां फंड्स इन एस्क्रो, यहां से यहां 25% शेयर्स की बात हुई थी. ठीक है. सो जैसे लेट सपोज ये पूरा ड्यू डिलीजेंस 4 महीना चला. ठीक है. सो 4 महीने के हिसाब से दैट वॉज अ मंथ्स, दैट वॉज अ वैल्यू एंड दैट इज शेयर्स. ओके सो वन फर्स्ट मंथ हमने लेट से 1 लाख वैल्यू के 500 शेयर्स सामने वाले को दे दिए. ओके 500, चलो 1000 ले लेता हूं, 1000 शेयर्स दे दिए. ठीक है. सेकेंड मंथ में 1 लाख वैल्यू के 1000 शेयर्स उसको दे दिए, दैट इज बी ट्रांसफर्ड अगेन 1000 शेयर्स. ओके क्लियर. एंड थर्ड मंथ में 1 लाख वैल्यू के 1000 शेयर्स ट्रांसफर किए, फोर्थ मंथ में 1 लाख वैल्यू के 1000 शेयर्स उसको ट्रांसफर किए. बराबर. सो टोटल अभी तक हमने 4 लाख इन वैल्यू कलेक्ट कर लिया है एंड 4000 शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं. बराबर. दिस इज और अपनी जो डील थी ओके लेट्स से डील ऐसी थी कि हम लोग उसको 10 लाख वैल्यू के शेयर्स देने वाले थे 10,000. ओके जिसमें से ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर लिया है 4 लाख वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे 4,000. बराबर. तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग 6 लाख इन वैल्यू 6,000. ठीक है क्लियर. बराबर. एवरीवन क्लियर. फाइन. अब इस केस में जो शेयर्स अपने को दिए थे इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज 4 by 10,000, कितना हुआ परसेंटेज? 40% हो गया. 4 divided by 10,000 into 100. ये 4,000 divided by 10,000 कितना हुआ? 0.4, नियरली 40% हो गया ना. ज्यादा हो गया. सॉरी एग्जाम्पल गड़बड़ हो जाएगा. ओके चलो. सो लेट्स रीअरेंज इट. तो इसको करते हैं 500 500 500 500. तो ये कितना हो गया? 2000. और ये कितना हो गया? दिस विल बी 8000. सॉरी दिस इज 2000 दिया एंड दिस विल बी 8000. ठीक है. तो हमने शेयर परसेंटेज कितना दिया? अगर 2000 दिया तो 20%, बिकॉज इंस्टॉलमेंट बेस पे हम 25% से ज्यादा नहीं दे सकते. बराबर. हमारा जो कैलकुलेशन, द रीजन आई रिड्यूस्ड इट इज दिस कि ये जो शेयर्स में दे रहा हूं नॉट मोर देन 25% ऑफ कैपिटल पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है. ये आरबीआई रिस्ट्रिक्शन डालता है और आरबीआई कहता है अगर आप एक शॉट में डायरेक्ट खरीदना चाहो तो डायरेक्ट खरीदो ना, वाई इंस्टॉलमेंट्स? तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स यानी एस्क्रो फैसिलिटी रखी है तो नॉट मोर देन 25%.
और 18 मंथ से ज्यादा का इंस्टॉलमेंट गैपिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टली बाय करो। वही मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि इसने बाद में इधर फंड्स डिपॉजिट किया और पूरा शेयर्स ले लिया, इसने इधर शेयर्स डिपॉजिट किया पूरा पैसा ले लिया, बराबर। तो यहां पर आरबीआई ये भी कहता है कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स है, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स अप टू 18 मंथ्स, ओके, द मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स कैन बी अप टू 18 मंथ्स, समझा, क्लियर, वेरी गुड, फाइन। एंड इसके साथ, बिफोर आई एक्सप्लेन द अदर पार्ट, इसके साथ रूल 9 सब रूल 7 भी प्रॉपर बैठता है। रूल 9 सब रूल 7 क्या बोलता है कि अगर आपने एस्क्रो अकाउंट अंडर द फेमा डिपॉजिट रूल्स ओपन किया है तो आपको पेमेंट करने के दो तरीके हो जाते हैं। एक तरीका होता है जिसके अंदर आप सामने वालों को बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, लेकिन एक और तरीका है जहां पे आप शेयर्स ले सकते हो, उसको बोलते हैं बैंक गारंटी देके। ये मैं मेरे बैंक की गारंटी देता हूं कि तुझे पेमेंट मिलेगा, तू मुझे शेयर्स ट्रांसफर कर। तो बैंक गारंटी देके भी हो सकता है। ऐसा वाला पार्ट आप एक कंटेक्स में पढ़ोगे, उसको हम लोग बोलते हैं टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड में एस्क्रो अकाउंट्स फॉर पेमेंट्स आएगा, तो उसमें कैसे गारंटी देते हैं वो सारी चीजें आती है, तो दैट इज पेमेंट टर्म्स, तो वो अच्छे से समझना, सेबी के अंदर आएगा, ओके। उसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट उसको समझा रहे हैं कि पेमेंट करने का तरीका हो सकता है आइदर इट कैन बी अ कैश इन बैंक ट्रांजेक्शन और यू कैन एंटर इन टू अ बैंक गारंटी बेस्ड ट्रांजेक्शन, कि मैं मेरे बैंक की गारंटी तुझे देता हूँ, तू शेयर्स दे, बैंक गारंटी ले, अगर कल को पेमेंट नहीं हुआ तो मेरे बैंक की गारंटी है ना, वो पेमेंट करेगा। तो बैंक गारंटी तुम्हारे कहने से ऑनर होती है, मेरे नहीं, ओके। क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि बैंक गारंटी में पेमेंट अपफ्रंट नहीं जाती है, रुक के जाती है, तब तक आई कैन होल्ड बैक एंड सी वेदर आई वॉन्ट टू बाय द शेयर्स और नॉट, ठीक है। सो ये पार्ट दैट इज रूल 9 सब रूल 7 में लिखा हुआ है। रूल 9 सब रूल 7 बोलता है कि व्हेन यू ओपन एस्क्रो अकाउंट ओके एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रूल्स 2019। सो एस्क्रो अकाउंट इस अकाउंट से होगा एंड द फंड्स मे बी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो अकाउंट कैसे? सो दो तरीके दिए हैं, या तो आप बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम अकाउंट, ओके, जिसको हम लोग लॉ में इनवर्ड रेमिटेंसेस बोलते हैं, और यू कैन डू इट बाय गिविंग बैंक गारंटी, ओके, बाय गिविंग अ बैंक गारंटी, क्लियर। जिसको दूसरा सिंपल वर्ड्स में, जैसे से फॉर एग्जाम्पल ये रहा फॉरेनर, वो अपने बैंक अकाउंट से HSBC बैंक में फंड्स ट्रांसफर करेगा, दैट इज फंड्स ट्रांसफर फॉर एस्क्रो अकाउंट,
इसको बोलते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू द बैंक अकाउंट, क्लियर। और दूसरा तरीका ये था, दैट इज बाय गिविंग बैंक गारंटी, दैट इज जो फॉरेनर है वो अपने बैंक को क्या बोलता है, वो अपने बैंक को बोलता है कि एचएसबीसी इंडिया को, एचएसबीसी इंडिया को एक गारंटी दे दो, गारंटी टू ओपन एस्क्रो अकाउंट, समझा। सो फॉरेनर्स ये दोनों तरीकों से पेमेंट्स भेज सकते हैं, फॉरेनर्स ये दोनों तरीकों से पेमेंट्स भेज सकते हैं। तो दे कैन ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट और दे कैन डू दिस बाय गिविंग अ बैंक गारंटी, समझा, क्लियर। एंड एक और तरीका था जिसको बोलते हैं इंडेमनिफिकेशंस, ओके। एक तरीका जो आपने पढ़ा 25% डेफर्ड पेमेंट, दूसरा एस्क्रो अकाउंट, तीसरा इंडेमनिफिकेशंस, ये रहा, सॉरी ये रहा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी, दिस वाज द सेकंड, दिस वाज द थर्ड, और ये रहा रूल 9(7) का रिक्वायरमेंट, that is transfer of the instrument between person resident and outside India account by funded by the inward remittance or by way of a bank guarantee, samjha। ab aata hu inward remittance ke is provisions pe, to ye hai kya, teesra angle kya hai, what is the third angle that we will be understanding here, let's see, okay। So this was rule 9(6) ka mera first angle, rule 9(6) ka mera second angle, and this will be rule 9(6) ka mera third angle, okay। I repeat, ye wala jo tha rule 9(6) ka apna first angle tha deferred payment systems ke, ye jo pura diagram banaya, ye pura diagram rule 9(6) ka second angle tha, और अब जो आप पार्ट स्टडी कर रहे हो वो रूल 9(6) का थर्ड एंगल होगा, ओके। लिख लो, यस। रूल 9(7) इज जस्ट अ हेल्पिंग रूल टू रूल 9(6), ओके। वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन लेके आता है कि एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के तरीके क्या है, ओके। इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, इट्स जस्ट अ understanding of that rule, ठीक है, fine। अभी third part में क्या है, indemnifications। ये indemnifications कैसे होती है, let's see। ये है PRI, which is a Indian company, okay। और ये है PROI, which is a foreign company, which is a foreign company। अब PRI Indian company foreign company से full consideration यानी shares का पूरा पैसा अभी का अभी ले लेती है, ठीक है। So ये उससे ले रही है full consideration, full consideration, ठीक है, clear। Let's say at share price of rupees 500 per share, got it। So जैसे हमारे IPOs में भी पूरा पैसा ले लिया जाता है, वैसे पूरा पैसा, 10 रुपए के शेयर्स 500 में बेचे हैं, पूरा पैसा ले लिया फॉरेनर से वन शॉट, और RBI बोलता है वो अच्छा है पूरा पैसा ले लो, लेकिन फॉरेन की कंपनी मुझे क्या बोलती है कि देखो तुम तो अभी पूरा पैसा ले रहे हो, कल को तुम्हारे पैसों, दैट इज शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो मैं तो अभी पूरा पैसा दे रहा हूं, कल को ये शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो मुझे एग्जिट नहीं मिला, तो मैं बेचने गया और मुझे किसी ने 10 रुपया भी नहीं दिया, तो
तो उस केस में हमने बोला सर हम प्रॉमिस करते हैं, अगर कल को मेरे शेयर की वैल्यू गिर गई, कितनी भी गिर गई, 10 का 1 रुपया भी हुआ, मैं प्रॉमिस करता हूँ 100 रुपये में शेयर्स मैं आपसे लूंगा। आई गिव यू वन वैल्यू, 100 रुपये में शेयर्स मैं आपसे लूंगा। 100 से कम नहीं गिरेगी, आपके लिए तो कभी नहीं गिरेगी। यू विल नेवर बी एट सच अ लॉस दैट यू विल नॉट गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो उसको इंडेमनिफिकेशन बोलते हैं। आरबीआई कहता है ऐसा प्रॉमिस कर सकते हो क्योंकि फॉरेनर्स को आप पे भरोसा नहीं है, तो वो आपको पैसा देके कल को अटक ना जाए, उनके ऊपर वो भी डाउट है। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस दो राइटिंग में कि शेयर्स की वैल्यू नहीं गिरेगी, और अगर गिर भी गई तो तुम मुझे शेयर्स खरीदने के लिए पैसा दोगे। तो हमने भी प्रॉमिस किया, एक बेस लेवल प्रॉमिस होती है कि कम से कम कितना, तो 100 रुपया सर मैं दूंगा, इससे कम भी गिर गया तो मैं बैठा हूं, मेरा प्रमोटर आपसे 100 में ही खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉमिस। लेकिन फिर ये कितने टाइम तक रहेगा? जब तक वो शेयर होल्डर रहेगा तब तक थोड़ी ना रह सकता है। तो आरबीआई कहता है ऐसा प्रॉमिस 25 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। 18 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। 18 मंथ से अंदर अगर आपने शेयर प्राइस मेंटेन की है, उसके बाद उसका रिस्क उसका, तुम्हारा रिस्क तुम्हारा। योर इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस कैन बी वैलिड ओनली अप टू 18 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो ये जो प्रॉमिस है, ये जो इंडियन कंपनी प्रॉमिस कर रही है, व्हाट इज दैट प्रॉमिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग? तो इंडियन कंपनी करती है प्रॉमिस। द प्रॉमिस इज दैट द शेयर प्राइस, that is the share price will never fall below ₹100 per share, okay, at any time for 18 months मैक्स। ठीक है, सो 100 रुपए से कम वो गिरेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो क्लॉज है, दिस क्लॉज इज कॉल्ड इंडेमनिटी क्लॉज, दैट इज इफ द शेयर प्राइस फॉल्स बिलो ₹100 at any time during 18 months, okay, that is the max, at any time during 18 months, then PRI company shall compensate losses, if any, to PROI. ये promise उन्होंने की है। This part is called as indemnity clause. This part is called as indemnity clause. ये part आप तभी ही दे सकते हो जब सामने से आपको full consideration आ चुका है, आपने पैसा पूरा ले लिया है। ओके, सो ये पार्ट हम लोग तभी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज व्हेन फुल कंसिडरेशन, व्हेन फुल कंसिडरेशन इज गिवन, ओनली देन इंडेमनिटीज कैन बी गिवन as per pricing guidelines. So, जब सामने से पूरा पैसा आ गया है तभी indemnities दी जा सकती as per the pricing guidelines. Got it? What is the indemnity? Clear? समझ में आया? तो तीन areas होते हैं in rule 9, sub rule 6,
रूल सिक्स एंड रूल सेवन के हिसाब से। सब रूल सिक्स के हिसाब से एक एरिया होता है डेफर्ड पेमेंट, दूसरा एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ एस्क्रो अकाउंट, एंड तीसरा एरिया इन टर्म्स ऑफ इंडेमनिटीज। ओके, तीनों एरिया क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर, प्लेजेंटली क्लियर, वेरी गुड। ओके क्लियर, तो ये तीन एरियाज अभी आपने स्टडी किए रूल 9-6 के हिसाब से। कंसिडरेशन एरिया, एस्ट्रो अकाउंट कैसे रखते हैं रूल 9-7 के हिसाब से, एंड द फुल कंसिडरेशन शुड बी देयर। ओके डन, एवरीवन डन, फाइन। अभी रूल 9-8 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज रूल 9-8 सेइंग? रूल 9-8, ठीक है, रूल 9-8 दो बातें करता है। पहले एक एक करके एक एक बात को समझते हैं। रूल 9 सब रूल 8.1, ठीक है। सो रूल 9-8 क्या बात करता है, कैसे करता है, लेट्स सी।